गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो स्टूडेंट, इन अवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द रूल्स एंड डायग्राम्स ऑफ बैडमिंटन. सो इन अवर टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द गेम दैट इज बैडमिंटन. बैडमिंटन की हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे. द गेम ऑफ बैडमिंटन प्लेड विद द शटल कॉक एंड रैकेट्स. आप सबको पता होगा जो बैडमिंटन गेम है वो किसके साथ खेली जाती है. एक शटल कॉक होता है और एक रैकेट होता है. रैकेट इज ऑफ अ रिसेंट ओरिजिन. तो इसका जो ओरिजिन है वो थोड़ी टाइम पहले ही हुआ था, यानी कि ये क्या है, इसका ओरिजिन जो है वो रिसेंट है. ऑल्दो इट इज सेड टू हैव बीन प्लेड इन एनिशियंट ग्रीस, इंडिया एंड चाइना लॉन्ग एगो, इट्स ओरिजिन एज वेल एज डेवलपमेंट इज रैप्ड इन अ कंसिडरेबल मिस्ट्री. सो एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते कि इस गेम का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एनिशियंट टाइम में, यानी कि पुराने समय में, ये ग्रीस में, इंडिया में और चाइना में बहुत समय पहले क्या की जाती थी, ये गेम खेली जाती थी. इट्स और शायद इसका ओरिजिन यही रहा होगा. एज वेल एज डेवलपमेंट इज रैप्ड इन कंसिडरेबल मिस्ट्री. तो आगे इस गेम की डेवलपमेंट कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसको ये क्या है, एक मिस्ट्री है, यानी कि कोई एग्जैक्ट इसका पता नहीं है. इट इज़ पॉइंटेड आउट दैट दिस गेम वॉज प्लेड इन इंग्लैंड इन द 17th सेंचुरी एंड ऑब्टेन इट्स नेम फ्रॉम द प्लेस बैडमिंटन इन ग्लौस्टरशायर इंग्लैंड विच वॉज द कंट्री होम ऑफ ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट. तो जैसे कि आपको बताया कि इसका गेम का एग्जैक्टली ओरिजिन नहीं पता है, तो एक मिस्ट्री बनी हुई है. तो इट इज़ पॉइंट आउट, हाँ, तो इसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि जो ये बैडमिंटन गेम है ये कहाँ पे प्ले की जाती थी. इंग्लैंड में की गई थी. कब की थी? 17th सेंचुरी में. तो देन इसके बाद इट ऑब्टेन इट्स नेम फ्रॉम द प्लेस. और इसका नाम कहाँ से बना? कोई प्लेस थी, बैडमिंटन इन, हाँ, तो इंग्लैंड में कोई जगह थी जहाँ से इसके नाम का ओरिजिन हुआ था, विच वॉज द कंट्री होम ऑफ ड्यूक ऑफ बॉफोर्ट. From a portrait of a young prince, Sulkovsky, of the royal family of Poland. तो इसका जो बैडमिंटन का जो नाम है ये कहाँ से लिया गया? एक जो रॉयल फैमिली का कोई बच्चा था, यानी कि एक यंग प्रिंस था, यानी कि कोई राजकुमार था, जिसका नाम था Sulkovsky, जो क्या था, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, जो कि कहाँ से थे, पोलैंड से थे. बिलोंगिंग टू लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरी, होल्डिंग द शटल कॉक एंड रैकेट. इट अपियर्स दैट सच गेम वॉज प्लेड इन द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप ऑल्सो एट दैट टाइम. उस टाइम पे जब 17th या फिर 17th के एंडिंग में और या 18th के स्टार्टिंग में ये जो गेम थी वो स्टार्ट की गई थी, उस समय उन्होंने होल्डिंग अ शटल कॉक एंड रैकेट, तब उन्होंने शटल कॉक और रैकेट को पकड़ना सीखा था. इट अपीयर सच गेम वॉज प्लेड इन. फिर देन उसके बाद क्या हुआ, ये जो गेम है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में खेली जाने लगी. द पोर्ट्रेट डिपिक्ट्स द प्रिंस इन अ सर्विंग स्टांस. इट इज ऑल्सो सेड दैट दिस गेम वॉज प्लेड इन इंडिया एट पुणे इन महाराष्ट्र एंड वॉज नेम्ड बैडमिंटन. देन उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो गेम है ये कहाँ पे इंडिया में सबसे पहले कहाँ प्ले की गई थी, पुणे में, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में. कब की गई थी? 1817 में. तब इसको नाम दिया गया था बैडमिंटन. वेन आर्मी ऑफिसर ऑन लीव फ्रॉम इंडिया, जब आर्मी ऑफिसर्स ने इंडिया को लीव किया था, प्लेड इट एंड बैडमिंटन. फिर उन्होंने जो बैडमिंटन थी उन्होंने कब प्ले की थी, कौन से ईयर में? 1873 में. इन इंडिया दिस गेम वॉज कॉल्ड पूना आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी विच वेयर इट इज पॉपुलर. तो इंडिया में बैडमिंटन का जो नाम है वो पूना रखा गया, बिकॉज ये जो गेम थी सबसे पहले इंडिया में कहाँ पर प्ले की गई थी, पूना में प्ले की गई थी, इसलिए. तो पूना क्या है, एक सिटी का नाम है जो कि क्या है, बहुत ही पॉपुलर है. लीविंग दिस कॉन्ट्रोवर्सी अपार्ट, फिर उसके बाद इनकी कॉन्ट्रोवर्सी ही रही कि कोई कहने लगा इसका ओरिजिन यहाँ पे हुआ है, कुछ कहते हैं कि कहीं और से हुआ है. वी आर श्योर दैट द क्रेडिट ऑफ पॉपुलराइजिंग दिस गेम
डेफिनेटली गोज टू द इंग्लैंड। बहुत सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद जो क्रेडिट था इस गेम का, इसको पॉपुलर करने का, वो किसके पास ही गया, इंग्लैंड के पास ही गया इन 1873 एंड लेटर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड इन 1893। जैसे ही उसकी पॉपुलैरिटी होने लगी कि इस गेम को किसने स्टार्ट किया है, इंग्लैंड ने किया है, देन उसके बाद एक बैडमिंटन एसोसिएशन बनाई गई जो कि इंग्लैंड में ही बनाई गई। कब बनाई गई ये, 1893 में। द इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1934। तो जो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन थी वो कब आई थी, 1934 में। विच फॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनेशनल मैचेस। जब ये वाली इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन आई 1934 में, इन्होंने क्या किया, उसके बैडमिंटन के रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे इंटरनेशनल मैचेस के लिए वो इन्होंने फ्रेम किए। द ट्रॉफी फॉर दीज इंटरनेशनल मैचेस वॉज नेम थॉमस कप आफ्टर द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन सर जॉर्ज थॉमस हु हिमसेल्फ वॉज अ बैडमिंटन प्लेयर। तो फिर जब इंटरनेशनल मैचेस के रूल एंड रेगुलेशन बने, उसके बाद इन्होंने जो मैचेस विन करते थे उनको ट्रॉफीज देने का सिस्टम स्टार्ट किया। तो जो इंटरनेशनल मैचेस होते थे उनमें जो ट्रॉफी दी जाती थी उसको थॉमस कप कहा जाता था, जो कि किसके नाम से रखी थी उन्होंने, जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के, जिनका नाम था, पूरा नाम था सर जॉर्ज थॉमस। तो थॉमस के नाम से फिर उन्होंने थॉमस कप जो थी वो ट्रॉफी देना स्टार्ट कर दी। जो सर जॉर्ज थॉमस थे वो क्या थे, एक बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर थे। थॉमस कप कॉम्पिटिशन स्टार्टेड इन 1948-49। जो थॉमस कप के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन होते थे, उनमें जब थॉमस कप देना कब स्टार्ट किया था इन्होंने, 1948 और 49 में। इन द बिगिनिंग दीज कॉम्पिटिशन्स वर हेल्ड बाय मेन ओनली। लेकिन जब ये कप थॉमस कप देना स्टार्ट किया गया था उस समय क्या होता था, ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन होते थे वो सिर्फ मेन्स के लिए ही होते थे। तो जब इस ये वाली ट्रॉफी देने का स्टार्ट किया था उन्होंने, उस समय सिर्फ मैन के कॉम्पिटिशन ही होते थे बैडमिंटन में। इट वॉज नॉट अंटिल 1956 दैट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वर फॉर वुमेन स्टार्टेड। फिर क्या हुआ, जैसे ही 1948 और 49 में मैन के लिए हुआ था, देन 1956 में जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन थे वो वुमेन्स के लिए होना भी स्टार्ट हो गए। उनको भी ये ट्रॉफी देना स्टार्ट कर दी उन्होंने। देयर वर नेम्ड उबर कप चैम्पियनशिप आफ्टर द नेम ऑफ ट्रॉफी उबर कप। उसके बाद थॉमस कप के बाद उन्होंने एक और ट्रॉफी जो थी बैडमिंटन की फील्ड में इंट्रोड्यूस की, जिसको हम उबर कप चैम्पियनशिप कहने लगे। लेकिन ये कब आई थी, जब विमेंस ने स्टार्ट किया था ना खेलना, उस टाइम पे उन्होंने उबर कप चैम्पियनशिप आफ्टर द नेम ऑफ ट्रॉफी, तो कौन सी ट्रॉफी देते थे उस टाइम पे, जो उबर कप नाम थी। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1934। तो बैडमिंटन एसोसिएशन थी जो इंडिया की, वो कब बनी थी, 1934 में। And this association organized the first All India Championship at Kolkata, now Kolkata, in the same year. तो फिर क्या हुआ, जब बैडमिंटन एसोसिएशन बनी 1934 में, इन्होंने क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि एसोसिएशन ऑर्गेनाइज की, जिसमें ऑल इंडिया चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ऑल इंडिया चैम्पियनशिप। तो इन्होंने सबसे पहली ऑल इंडियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की थी, जो कि कहाँ थी, कलकत्ता में, जिसको अब हम कोलकाता कहते हैं, उसी साल में, यानी कि 1934 में ही। ऑल स्टेट एसोसिएशन आर अटैच्ड टू द नेशनल एसोसिएशन। तो जो भी स्टेट लेवल के एसोसिएशन थे वो किसके साथ हो गए, नेशनल के साथ उनकी एसोसिएशन होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ बैडमिंटन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे।